हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वे के एस वॉल्यूट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल से मैंने स्टार्ट किया, जो कि आप लोगों को बताया कि मैं हर इन बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लगभग जितने भी कुछ छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन उन सबको मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में डालकर अपडेट कर दूंगा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मगध यूनिवर्सिटी हो या वीर कुंवर यूनिवर्सिटी हो, छपरा यूनिवर्सिटी, मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट आप लोग को एक ही वीडियो में दे दूंगा। जो बड़ा अपडेट होगा, जो कि सेपरेट होना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसी तरह से आज भी मैं आज के वीडियो में 6 लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। ये आज 4 अगस्त का लेटेस्ट अपडेट है, 4/8/2019 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे, इस साल से 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा बोर्ड लेगा। तो इसमें क्या कुछ कहा गया देख सकते हैं। काउंसलिंग ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट CIESCE अब ICSE की 9वीं और ISC की 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा लेगी। पहली बार बोर्ड द्वारा इसके लिए प्रश्न पत्र स्कूलों को भेजा जाएगा। 11वीं वार्षिक परीक्षा 10 फरवरी से होगी और 4 मार्च तक चलेगी। वहीं नौवीं की 10 से 26 फरवरी तक होगी। 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा की तरह ही ली जाएगी। परीक्षा का समय भी बोर्ड परीक्षा की तरह तय किया गया है। 11वीं में जहां हर विषय में 3-3 घंटे का समय मिलेगा, वहीं 9वीं में 2-2 घंटे मिलेंगे। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो ये था आज के फर्स्ट अपडेट। अब सेकंड अपडेट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड अपडेट यहां पे हम लोग देख सकते हैं, BCA का परीक्षा फॉर्म 6 से भरा जाएगा। ये बात कर रहे हैं छपरा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में BCA के 5वें सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म 6 से 14 अगस्त तक भरा जाएगा। सत्र 2015 से 2018 न्यू एंड ओल्ड कोर्स बैकलॉग एग्जामिनेशन 2017 के परीक्षार्थी शामिल होंगे। एग्जामिनेशन के प्रति पेपर ₹750 और प्रोसेसिंग फीस ₹50 प्रति सेमेस्टर, जबकि एग्जामिनेशन की बैकलॉग प्रति पेपर 150 और ₹50 प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया है। ये था सेकंड अपडेट। हम लोग तीसरा अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तीसरा अपडेट हम लोग, ये है आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा स्नातक पार्ट वन में अब 6 अगस्त तक होगा दाखिला। आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पार्ट वन में दाखिले की तिथि बढ़ा दी है। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर KK सिंह ने बताया कि पार्ट वन, यहाँ पे देख सकते हैं, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर KK सिंह ने बताया कि पार्ट वन सत्र 2019-22 में प्रथम मेरिट लिस्ट से एडमिशन की अंतिम तिथि शनिवार तक ही निर्धारित की गई थी। छात्र हित में तिथिवार विस्तार करते हुए अब 6 अगस्त तक कर दी गई है। इससे संबंधित सूचना कॉलेजों को दी गई है। फिर वहीं बात करते हैं, वहीं फिर अब ये वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का ही यहाँ पर देख सकते, सत्र 2018 से 2021 में जो एडमिशन लिए उनके पंजीयन कल तक। आरा स्नातक सत्र 2018 से 21 पार्ट वन में विस्तारित पंजीयन की तिथि के अनुसार सोमवार तक वंचित विद्यार्थी पंजीयन करा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया सोमवार लास्ट आपके पास होने वाला समय। कुलसचिव ने बताया कि यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, पंजीयन की तिथि के अनुसार सोमवार तक वंचित विद्यार्थी जो लोग नहीं भर पाए हैं, किसी कारण उनका छूट गया, तो पंजीयन करा सकते हैं। सोमवार तक आपका आखिरी डेट है 6 तारीख। फिर देखते हैं हम लोग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 तारीख कल सोमवार के डेट में है। कुलसचिव ने बताया कि BA BSc व BCom और BBA में नामांकित छात्राओं का पंजीयन 5 अगस्त तक ₹1000 विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार किया जाएगा। बताया गया है पंजीयन आवेदन कॉलेज 2 प्रति और CD के साथ जमा, यहाँ पे देख सकते हैं, पंजीयन आवेदन कॉलेज 2 प्रति और CD के साथ जमा करेंगे। उसका नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालय सूचना है, PG में नामांकन को दूसरी बार काउंसलिंग 9 को। ये बात करें हम लोग बिहार के पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में, पूर्णिया विश्वविद्यालय में PG में नामांकन के लिए दूसरी बार काउंसलिंग 9 अगस्त को होगी। पूर्णिया विश्वविद्यालय के एकेडमिक रजिस्ट्रार मनोज कुमार ने कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के निर्देश पर काउंसलिंग की दूसरी तिथि निर्धारित की है। PU के DSW डॉक्टर PK झा ने बताया कि 30 व 31 जुलाई को, यहाँ पे डेट जो दिया गया 30 व 31 जुलाई को संपन्न काउंसलिंग के से चूके अभ्यर्थियों को दूसरी बार काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। यानी कि जिनका 30 और 31 जुलाई को छूट गया था, वो अब 9 जुलाई को उनको काउंसलिंग का दोबारा मौका दिया जा रहा है। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो कॉलेज में मिलेंगे
कॉलेज में मिल रहा एडमिट कार्ड, ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा की बात कर रहे हैं, जिसका 8 तारीख से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पार्ट टू का सेशन 2015 से 2018, 2016 से 2019, इसका ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि आपका एग्जाम किस दिन होगा, नोट्स और सब्सिड्यूस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें बताया गया जेपी के स्नातक पार्ट टू यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के छपरा में स्नातक पार्ट टू के 8 से होने वाली 2 सत्रों की परीक्षा का एडमिट कार्ड कॉलेजों में बट रहा है। जो एडमिट कार्ड आप लोगों का है वो कॉलेजों में आपका बट रहा है। इनमें स्नातक सत्र 2015 से 2018 और सत्र 2016 से 2019 के परीक्षार्थी शामिल होंगे। पार्ट टू के परीक्षा 8 अगस्त से 3 सितंबर के बीच 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ऑनर्स विषयों की परीक्षा 8 से 20 अगस्त के बीच होगी, जबकि 21 अगस्त से 3 सितंबर के बीच सब्सिडरी व जनरल विषयों की परीक्षा होगी। सब्सिडरी विषयों की परीक्षा में भी 2 पालियों में ली जाएगी, प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। इन सभी चीज़ का अपडेट मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, 6 अगस्त को 7वीं कट ऑफ इसका जारी किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, मैं यही बताने वाला हूँ कि 6 तारीख को यहाँ पे 6 अगस्त को यहाँ पे आप लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी का 7वां जो है देख सकते हैं विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित वर्ग के लिए अब स्पेशल ड्राइव समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय 6 अगस्त से 8 अगस्त तक 7वीं कट ऑफ के दाखिला करेगा। तो ये रहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट आज का 6 लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रोज़ एक अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।